दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले एक और नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M52 5G बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। प्रोबेबली सितंबर के महीने में ही ये वाला स्मार्टफोन आपको इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है बहुत टाइम से न्यूज में बना हुआ भाई, तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए हैं स्मार्टफोन के बारे में सुनते सुनते। कभी बोला जाता है कि जो चाइना में A52 लॉन्च हुआ था उसका रीब्रांडेड होने वाला है, कभी बोला जाता है कि A52S जो लॉन्च होगा उसी का रीब्रांडेड वर्जन M52 होने वाला है। लेकिन आज एक बहुत ही ट्रस्टेड लीकस्टर की तरफ से इस फोन से जुड़ी मैक्सिमम स्पेसिफिकेशंस लीक कर दी गई है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी फोन से जुड़ी पॉसिबल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। पॉसिबल स्पेसिफिकेशंस हैं, 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेगा। आज की वीडियो में बात करेंगे पॉसिबल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या कुछ फीचर्स मिल सकते हैं, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च हो सकता है, ओवरऑल कैसा रहने वाला है ये फोन, सारी चीज डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, और सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो सैमसंग का फोन है तो बिल्ड क्वालिटी में ज्यादा एक्सपेक्ट आप करो ही मत भाई। वही प्लास्टिक बिल्ड यहाँ पर आपको मिलेगी, प्लास्टिक का बैक रहेगा, प्लास्टिक का फ्रेम रहेगा, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल सकता है। देखो बेसिकली बताया जा रहा है कि A52S जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में आपको M52 नाम से देखने के लिए मिलने वाला है। अब A52S जो है वहां पर आपको IP67 की रेटिंग मिलती है, लेकिन इस फोन में आपको IP67 की रेटिंग नहीं मिलेगी। यहां पर प्रोबेबली आपको कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलने वाली है, तो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको ठीक ठाक मिलेगी। A52S में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, यहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको डिसेंट मिल जाती है। डिजाइन की अगर बात करें तो डिजाइन लैंग्वेज वही रहने वाला है भाई। बैक पैनल में टॉप लेफ्ट में आपको कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग रहेगी, उसी के साथ में एलईडी फ्लैश आपको मिल जाएगा, सैमसंग की ब्रांडिंग पीछे की तरफ रहेगी। फ्रंट में अगर बात करेंगे तो टॉप राइट में आपको पंच होल मिल सकता है इस बार। यस, यहां पर आपको कुछ नया प्लेसमेंट मिल सकता है, टॉप राइट में पंच होल रह सकता है, पतले पतले से बेजल्स, हल्की सी चेन यहां पर आपको मिलेगी, ब्लैक कलर में, व्हाइट कलर में, एक आधा और कलर यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो 2-3 अलग अलग कलर्स में फोन मिलेगा, दिखने में फोन डिसेंट रहेगा, बिल्ड क्वालिटी भी यहां पर आपको डिसेंट मिल जाती है। अब डिस्प्ले की बात करते हैं। जब सैमसंग कोई फोन लॉन्च करता है तो डिस्प्ले सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसका, या तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा होता है या डिस्प्ले बहुत ही खराब होता है। इस फोन के अंदर पॉसिबली बताया जा रहा है कि 6.7 इंचेस का यहां पर आपको डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले का साइज तो अच्छा रहने वाला है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बल्की फोन हो सकता है, लेकिन कंटेंट वॉचिंग में आपको मजा आएगा। 6.7 इंचेस का डिस्प्ले रहेगा, डेफिनेटली यहां पर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन मिलेगा, एंड सबसे अच्छी बात कि सुपर एमोलेड पैनल यहां पर आपको मिलने वाला है। इससे पहले जो लीक निकल के आई थी वो बोल रही थी भाई कि TFT पैनल यहां पर आपको मिल सकता है, लेकिन आज जो लीक आई है वो बोलती है कि यहां पर आपको सुपर एमोलेड पैनल मिल सकता है। तो 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा, जहां पर आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा, 385 के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिल सकती है। एंड रिफ्रेश रेट की अगर बात करें तो पता नहीं भाई रिफ्रेश रेट क्या मिलने वाला है, यहां पर हायर रिफ्रेश रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चीज को लेकर के थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मिनिमम टू मिनिमम 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो डेफिनेटली यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अब सैमसंग के मन में क्या चल रहा है भाई वो तो शिव ही जानता है, तो देखते हैं भाई रिफ्रेश रेट कितना निकल के आता है। बाकी यहां पर आपको वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, ये काफी अच्छी बात है। डिस्प्ले पैनल मेरे हिसाब से यहां पर आपको अच्छा मिलने वाला है। डिस्प्ले पैनल अगर एमोलेड आता है तो अच्छा रहेगा, अगर TFT आता है तो फिर बात बिगड़ जाएगी भाई, लेकिन चांसेस हैं कि एमोलेड पैनल यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। डिस्प्ले में आपको ज्यादा शिकायत यहां पर नहीं आने वाली है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो कंफर्म 100% कंफर्म यहां पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट मिलेगा। 778G चिपसेट बहुत सारे फोन्स में हमको देखने के लिए मिल चुका है। कल A52S लॉन्च हो रहा है उसमें भी आपको 778G देखने के लिए मिलेगा। 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहती है, हीटिंग का इशू आपको काफी कम रहेगा। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, क्रायो 670 वाले कोर्स मिलते हैं जो कि A78 और A55 से मिलकर बने होते हैं, तो डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाती है। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Adreno 642L GPU मिलता है जो कि बढ़िया गेमिंग आपको करा देता है। ग्राफिक रिलेटेड टास्क, वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग ये भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टेबल परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, डे टू डे की परफॉर्मेंस, गेमिंग की परफॉर्मेंस दोनों अच्छी मिलेगी। LPDDR4X RAM मिलेगी, साथ ही में UFS 2.2 वाला स्टोरेज मिल सकता है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो रेयर पैनल में आपको 3 कैमरास का सेटअप यहां पर देखने के लिए मिल सकता है, जहां पर प्राइमरी कैमरा रहेगा 64 मेगापिक्सल्स का। OIS आपको मिलता है A52S के अंदर, यहां पर आपको OIS देखने के लिए नहीं मिलेगा। यस, बिना OIS का कैमरा यहां पर आपको मिलेगा। 64 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा रहेगा, 12 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा, एंड एक 5 मेगापिक्सल्स का कैमरा मिलेगा। वो मैक्रो सेंसर रहता है या डेप्थ सेंसर रहता है ये चीज देखना
इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन भाई तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ मिलेगा, 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। एंड फ्रंट में अगर बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहां पर आपको मिल सकता है। एंड सेल्फी कैमरा से 1080 पिक्सल में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करें तो डिसेंट कैमरा सेटअप भी यहां पर आपको मिल जाता है। उसी के अलावा जो सैमसंग के फीचर्स हैं, वन क्लिक, मल्टीपल आउटपुट, अलग अलग फिल्टर्स, कुत्ते के कान, बाल, ये सब आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यस, कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको डिसेंट मिलने वाला है। बैटरी की अगर बात करें तो 5000 एमएएच की बैटरी यहाँ पर आपको मिलेगी। जनरली सैमसंग की एम सीरीज की हम बात करते हैं तो 6000 एमएएच, 7000 एमएएच की बात करते हैं, लेकिन एम सीरीज के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ी सी छोटी बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है। अगर ऐसे देखा जाए तो बैटरी का साइज डिसेंट यहाँ पर आपको मिलता है। 5000 एमएएच की बैटरी यहाँ पर आपको मिलेगी, लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि 15 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा। 15 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। बॉक्स के अंदर 15 वॉट चार्जर मिलेगा, ये चीज तो कंफर्म है। अब सपोर्ट आपको 25 का मिल सकता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी तक जो इंफॉर्मेशन है वो तो यही बोल रही है कि 15 वॉट की चार्जिंग और 15 वॉट का चार्जर आपको मिलेगा। बैटरी मॉड्यूल मेरे हिसाब से आपको डिसेंट मिल जाएगा। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm का खड्डा भी मिलेगा, उसको गायब नहीं किया गया है। 3.5 mm जैक आपको मिल जाएगा। पॉसिबली साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर आपको मिलेगा, अंडर डिस्प्ले शायद यहाँ पर आपको ना मिले। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल सकता है। फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिल जाएंगे, सेंसर में कोई कमी नहीं रहेगी। जाहिर है उसको प्रॉक्सिमिटी लाइट सेंसर, कंपास, फलाना, ढिमक्का, सारे सेंसर आपको मिल जाएंगे, सेंसर में कोई कमी नहीं रहने वाली है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। उसी के साथ में मिलेगा वन यूआई 3.0। कोर नहीं मिलने वाला है यहाँ पर आपको, फुल फ्लेज वन यूआई मिलेगा, मतलब नॉक्स की सिक्योरिटी मिलेगी हार्डवेयर वाली। उसी के साथ में सैमसंग पे का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और अल्ट जी लाइफ यहाँ पर आपको मिलेगा, ताकि एक क्लिक करके आप आपके जो कारनामे हैं उनको फटाक से छुपा पाए। तो सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, सिक्योरिटी प्राइवेसी में आपको कोई भी शिकायत यहाँ पर नहीं आने वाली है। स्पीकर्स की अगर बात करें तो प्रोबेबली सिंगल स्पीकर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, शायद डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर आपको ना मिले। एंड डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट यहाँ पर आपको मिल सकता है, जहां पर आप दो सिम कार्ड तो लगा ही सकते हैं, साथ ही में 1 TB तक का मेमोरी कार्ड घुसेड़ सकते हैं। और 1 TB का जो आपका कंटेंट है, स्टडी मटेरियल, होमवर्क, सनी लियो, जो भी आपका मटेरियल है उनको आप इंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन देखे जाए तो मेरे हिसाब से स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको डिसेंट मिलते हैं। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो बताया जा रहा है दो वेरिएंट में आपको फोन मिलेगा, 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB। प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 25,000 से ऊपर ही रहने वाला है, 25 से 30 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 से नीचे ये देखने के लिए मिल जाएगा तो आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है, 25,000 से ऊपर रहने वाला है। बेस वेरिएंट 26-26.5 के आसपास आपको मिल सकता है एंड टॉप वेरिएंट आपको 28 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। मेरे हिसाब से एक डिसेंट फोन रहने वाला है और 778G ही आपको चाहिए तो इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस और बेटर अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। लेकिन लेट्स सी भाई सैमसंग इनको किस स्पेसिफिकेशन के साथ में लॉन्च करता है। जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताई दिया था कि ये पॉसिबल स्पेसिफिकेशन है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो जाए, लेकिन मेनली प्रोसेसर वही रहने वाला है, कैमरा बैटरी ऑलमोस्ट ऐसे ही रहने वाले हैं, डिस्प्ले में थोड़ा बहुत इधर उधर खेल हो सकता है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपको क्या लगता है स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए कैसा है फोन, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च होना चाहिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो में नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।